तो हेलो एवरीवन, यार कैसे हो तुम सब? आई होप अच्छे होंगे। तो तुम्हारे लिए एक और नई एपिसोड ला चुके हैं हम परसूट सीरीज का। तो आज जो हम जो परसूट करेंगे ना, उसके अंदर हम अपने तरह तरह के आर्मर बनाने वाले हैं। तो वीडियो देखते जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा आर्क में कितने टाइप के जो है आर्मर होते हैं। और पिछले जो है 5-6 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तुम देख रहे होगे जहाँ पे सब्सक्राइबर्स होता है वहाँ पे पहले ज्वाइन बटन हुआ करता था, तो अब तुम्हें नहीं दिखेगा ज्वाइन बटन, ना ही इस वीडियो में तुम्हें एक भी ऐड देखने को मिलेगा क्योंकि जो है ना यूट्यूब ने मेरा मोनिटाइजेशन बंद कर दिया और ज्वाइन बटन भी बंद कर दिया। तो पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा वापस जो है मोनिटाइजेशन ऑन होने में। तो इसलिए यार 5-6 दिन से मन ही नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, तो आज डाल रहा हूँ भाई वीडियो बना के। और जो है मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था तो वो वीडियो भी आएगी, ठीक है ना, इसके बाद ही वो वीडियो आ जाएगी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं परसूट। तो यहाँ पे जो मैंने एक पेट्रोडोन टैम करा है क्योंकि अभी जो है हमें पेट्रोडोन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो लो लेवल का ही टैम किया था उसको, गोल्ड गन सोल से जो है मैंने लेवल दे दिए अच्छे खासे, तो 500 का करीब का जो है इसका लेवल हो चुका है। तो ये हमारा लेस नेग्ड वाला परसूट है जो कि हमें सबसे पहले करना है, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है हमें फुल क्लोथ सेट बनाना है, काहे का बनाना, फाइबर का बनाना है। ओके, तो फाइबर के जो है सेट बनाने हैं, तो ये कपड़े सब हम चीटिंग के उतार लेते हैं और फाइबर का बनाते हैं। ये था हमने खोल रखा फाइबर के कपड़े, यहाँ से थोड़ा सामान वगैरह ले लेते हैं, फाइबर वगैरह हाइड वगैरह ले लेते हैं। तो बनाते हैं अपने फाइबर के कपड़े। तो 5 होते हैं ना, 5 सेट होता है, सील्ड को मिला के 6 होता है शायद। ओके, तो यहाँ पे 3 बन चुका है, 4 बन चुका है और 5वां भी बन चुका है। तो आप जल्दी से पहन लेते हैं, हमारा परसूट स्टार्ट ही है। ये 10-10 आर्मर के है, चीटिंग का 50 आर्मर का। तो यहाँ पे हमने सारे अपने कपड़े पहन लिए और हमें 100 XP मिली है, हमारा परसूट कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा परसूट आया बेटर डर्ट्स ऐसे कुछ नाम है। तो इस परसूट का हमें रिवॉर्ड मिला ये जर्नी मैन क्लोथ बूट्स, जिसका 18 आर्मर है और 87 तक ड्यूरेबिलिटी है और कलरफुल हमें बूट्स मिले हैं। तो अब हमें जो बेटर डर्ट्स वाला परसूट ऑन करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें जो है हमें हाइड के कपड़े बनाने होंगे। ओके, तो फुल सेट बनाना है हाइड का, तो यहाँ से क्राफ्ट कर लेते हैं, अपने पास रिसोर्सेज तो है ही। तो इस परसूट को करने के बाद भी जो है हमें XP मिलेगी और जो है बूट्स का ब्लूप्रिंट मिलेगा कलर वाला, ठीक है ना। तो इन परसूट से तुम्हें बूट मिलते हैं। तो यहाँ पे हम पहनते हैं इन कपड़ों को। ओके, तो हमने हाइड के कपड़े भी पहन लिए और हमें 150 XP मिला है और नेक्स्ट परसूट भी आ चुका है हमारा, तो ये हमें बूट मिल चुका है। तो देखते हैं बूट कैसा है। 57 आर्मर है और 147 जो है ड्यूरेबिलिटी है इसकी और कलरफुल है। तो हम नेक्स्ट परसूट देखते हैं कौन सा है। तो हर परसूट कंप्लीट करने के बाद जो है हमें बूट ही मिलेंगे अच्छे अच्छे आर्मर वाले। तो ये हमारा नेक्स्ट आइडा है कोल्ड ब्रेथ वार्म हैंड्स। तो इसके अंदर हमें फुर के जो है कपड़े बनाने हैं, तो खोलते हैं यहाँ से हम फुर के अपने कपड़े। कितने लेवल पे खुलता है लेके, ये चिली के आ गए। यहाँ पे सोवर्ड भी खोल लेते हैं, अभी सोवर्ड का भी हमें जरूरत पड़ेगा और हमारे पेट्रोडोन का भी जरूरत पड़ेगा, वो तुम्हें बताएंगे किस लिए जरूरत पड़ेगा हमें। और फुर के कपड़े नहीं मिल रहे, कितने लेवल पे खुलते हैं भाई? ओके, तो 23 लेवल पे ही खुलते थे, मैं आगे चला गया। तो यह तुम्हें जो है 5 सेट बनाने पड़ते हैं, मतलब 5 कपड़े बनाने पड़ते हैं इस परसूट को कम्प्लीट करने के लिए। शील्ड वगैरह नहीं बनानी है तुम्हें, वैसे भी शील्ड 2 ही प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं, एक तो टैक और एक वुडन और एक रियोट का शील्ड। तो फुर के कपड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पैल्ट, और यहाँ एंजल जेल क्यों ले लिया मैंने, सिलिका पल्स हम मैंने ले लिया है और पॉलीमर मेटल ले लिए क्योंकि आगे का आर्मर जो है ना हमें जरूरत पड़ेगी पॉलीमर की और सिलिका पल्स और मेटल की, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी हमें आगे, तो इसलिए मैंने जो है ले लिया। और यहाँ पे हमारे फुर के कपड़े बन रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कौन सा हमें कपड़ा बनाना है। ओके, तो ये 2 बन चुके हैं, 3 बन चुके हैं। यहाँ से अब परसूट स्टार्ट किया जाए। क्या नाम था परसूट का? कोल्ड ब्रेथ वार्म हैंड। स्टार्ट कर देते हैं इसको और हमारे जो है आर्मर वगैरह बन चुके होंगे। तो अब फुल सेट जो है हमें इक्विप करना है। चलो अब जल्दी से इक्विप करो। बड़ा स्लोली स्लोली पहनता है भाई ये कपड़े। ओके, तो हमने पहन लिया है कपड़े और हमें जो है 300 XP मिली है, तो डबल होते जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे करते जा रहे हैं वैसे डबल होते जा रहा है। और हमें जो है अपना बूट्स भी मिल चुके हैं,
तो कितना आर्मर इसका, 92 आर्मर है, 290 ड्यूरेबिलिटी है। देखो मैं इजी में खेलता हूँ तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट परसूट आया है स्नेक सीट, ऐसा ही कुछ नाम है। तो इसमें जो है मैं गिली के कपड़े खोलने हैं, मैंने चिली बोला था आगे, तुमने ध्यान से सुना होगा तो मैंने चिली बोल दिया था। चिली भी है, चिली भी है और गिली भी है, दोनों मिक्स है, पता नहीं ये क्या इनका सिस्टम है। स्नेक सीट सेट तो ये नाम है। तो हमें अभी सवोर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो है गिली के आर्मर बनाने के लिए ना हमें चाहिए होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीमर नहीं ऑर्गेनिक पॉलीमर चाहिए होता है हमें, जो कि हमें बर्फ के इलाकों में मिलेगा। और यहाँ पे हमारा सवोर्ड बन चुका है, तो हम पेड्रोडोन से चलते हैं बर्फ के इलाकों में और वहां से लेके आते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बर्फ के इलाकों में, और तुम्हें लोकेशन जैसे दिख ही रहा होगा, तो इधर जो है तुम्हें मिल जाएंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर। तुम्हें जो एक पेंगुइन टाइप का होता है, उसका नाम पता नहीं क्या है, तो उसको मारोगे ना तुम्हें क्या कहते हैं यार, ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल जाएगा तुम्हें। और गिली के जो है कपड़े बनाने के लिए तुम्हें ऑर्गेनिक पॉलीमर की ही जरूरत पड़ती है। और पेलगोनिस भी जो है अच्छा खासा ऑर्गेनिक पॉलीमर कलेक्ट करता है इन पे, इनको मारने में। पैगविन को मारोगे तो, कायरेकू कहते हैं इसको, कायरेकू को मारोगे तो सोर्ड से भी अच्छा तुम कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो नॉर्मल प्रिमिटिव बनाऊंगा ना अपने आर्मर, तो मुझे ज़्यादा कुछ पॉलीमर की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो फिर भी इनको मार देते हैं, तो बहुत अच्छे अमाउंट में जो है हमने कलेक्ट कर लिया ऑर्गेनिक पॉलीमर। और देख लेते हैं एक दो और है तो उनको भी मार देंगे, ये साइड में रहे इनको मार देते हैं। पेलगोनिस अच्छी एक तो पेलगोनिस तुम्हारा अच्छा खासा ऑर्गेनिक पॉलीमर कलेक्ट कर देता है, और एक सोड। वैसे मैं बेस्ट बताऊं तो तुम्हारे लिए सोड ही अच्छा रहेगा, और ऑर्गेनिक पॉलीमर कलेक्ट करना है। और ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है बड़े ही जल्दी सड़ जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। फ्रिज में रखोगे फिर भी फ्रिज में से भी सड़ जाता है। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का जल्दी से जल्दी यूज़ कर लिया करो। यहाँ पे हमने पर सूट चालू कर दिया, स्नैक सेट वाला ऐसा ही कुछ नाम है। तो इसके अंदर मुझे गिली के कपड़े बनाने हैं, ये गिली, अरे भाई गिली है, मैं चिली बोल रहा था यार, मैं पागल हो रहा हूँ क्या, मैं चिली की बोल रहा था, गिली के कपड़े हैं भाई साहब, सॉरी ब्रो मैंने चिली बोल दिया था, दो बार मैं भाई चिली बोल दिया। वैसे है ये कपड़े गिली के, तो इसमें जो है हमें 450 के करीब XP मिली है। अब बूट्स भी देख लेते हैं हमें बूट्स कैसे मिलते हैं। तो ये हमें मिल चुका है हमारा गिली का बूट, जो कि 30 आर्मर का है और 334 जो है इसका ड्यूरेबिलिटी है। और नेक्स्ट हमारा परसूट का है ये रहा एक्सटर्मिनेटर, ऐसे कुछ नाम है परसूट का। तो इसके अंदर हमें चीटिन का सेट बनाना है, तो पहन लेते चीटिन का सेट भाई। ओके, तो मेरे पास हेलमेट नहीं है, एक चीज़ की कमी है हमारे पास, हेलमेट नहीं है। तो अब घर ही जाना पड़ेगा और वहाँ से लेके आना पड़ेगा हेलमेट, यहाँ से तो यार मैं बना ही नहीं सकता चीटिन का आर्मर, घर पे ही जाना पड़ेगा। तो चलो यार घर पे मिलते हैं तुमसे। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने घर पे और यहाँ पे होने लग गई है बारिश, तो स्मिथी खोलते हैं। और यहाँ पे हमारे आर्मर पड़े हुए हाइड और फाइबर के, तो ये रहा हमारा हेलमेट चीटिन वाला, जो यही बनाना था हमें। वेस्ट हमने डाल दिया है, ये सब भी डाल देते क्योंकि आर्मर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा हेलमेट येरा बन चुका है, अब इक्विप कर लेते हैं। और जो है भाई हमें 600 XP मिली है, 50 ज़्यादा मिली है, उतना भी ज़्यादा नहीं मिला इसमें XP हमें। और ये हमें मिल चुके हैं चीटिन के बूट्स। और यहाँ पे ड्रॉप है, देख लेते क्या ड्रॉप के अंदर, एम्बर मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। नहीं मिले भाई एम्बर, यहाँ पे जो है हमारे फाइबर वगैरह थैच वगैरह जो कि लो लेवल पे ही काम आते हैं, और जो कि हमारे पास तो गोल्ड कंसोल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट पर शूट देख लेते हैं कौन सा है, ये ज्वाइंट आर राउंडिस टेबल। तो इसके अंदर हमें बनाने हैं फ्लैग के कपड़े, तो खोलते हैं फ्लैग के आर्मर्स, कितने लेवल पे खुलता है। कहाँ गए भाई हमारे फ्लैग के आर्मर, कितने लेवल पे खुलता है। ओके, तो 56 लेवल पे खुलता है ये हमारे फ्लैग के सारे आर्मर। तो अब इनको स्मिथी में बनाते हैं, रिसोर्स वगैरह तो हमने डाल रखी थी, तो बना लेते हैं जल्दी से। क्राफ्टिंग पे लगा दिया हमने 5 के 5 को, अब क्राफ्ट होने के बाद मिलते हैं तुमसे। तो यहाँ पे हमारे आर्मर वगैरह क्राफ्ट हो चुके होंगे, तो ये मैंने चीटिंग का बूट्स नहीं दिखाया तुम्हें। आर्मर 136 है इसका, और ड्यूरेबिलिटी जो थी उसकी 100 थी बस। ओके, तो ये हमारे आर्मर आ चुके हैं फ्लैग के, अब इनको जल्दी से इक्विप करेंगे। पहले पर शूट भी स्टार्ट कर देते हैं, ज्वाइन अराउंड दिस टेबल। ओके, तो ये हमारा परसूट भी हो चुका है कंप्लीट, और 1000 XP मिली है भाई, बहुत ही अच्छी XP मिल गई हमें।
है ना। चीटिंग में हमने जब चीटिंग का करा था तो उसके अंदर हमें 600 मिली थी, अब इसमें 1000 मिली हमें। और आर्मर है भाई 200, ड्यूरेबिलिटी है 380। आर्मर तो यार बहुत ही अच्छा मिल चुका है हमें, क्योंकि हम इजी में खेलते हैं तो 200 आर्मर बहुत ही ज़्यादा है भाई, उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन सही है 200 आर्मर। तो हम नेक्स्ट परसूट देखते हैं, और ये हमारा आखिरी परसूट है जिसका नाम है सोक प्रूफ। तो इसके अंदर जो है हमें रोइट के आर्मर बनाने हैं। अब ये रोइट के आर्मर पता नहीं किस कौन से लेवल में खुलते हैं भाई। रोइट के आर्मर तो हमारे फैब्रिकेटर में ही बनेंगे, और इसको बनाने के लिए पॉलीमर, सिलिका पल्स चाहिए होता है, मेटल चाहिए होता है, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। और ओके, तो 98 लेवल पे खुलते हैं भाई, इतना नीचे 98 लेवल करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे तुम इसको जो है रियोट के आर्मर तुम्हें चाहिए तो तुम जो है अपना स्वैम्प केव से ला सकते हो, अच्छे अच्छे आर्मर मिल जाएंगे तुम्हें स्वैम्प केव में। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत रिसोर्स ही लाया हूँ, इसके अंदर डाल देते हैं। एक तो सिलिका पल्स का बनेगा ये, हाइड क्रिस्टल का, क्रिस्टल भी चाहिए भाई इनको। क्या क्या लोगे यार तुम, हेलमेट लेगा बस क्रिस्टल, और बाकी को क्रिस्टल नहीं चाहिए। तो देखते कितने बनते हैं। ओके, तो हमारा क्या कमी पड़ेगी भाई। ओके, पॉलीमर कम पड़ गया, तो पॉलीमर मंगाते, क्रिस्टल मंगाते हैं। और रियोट की आर्मर की ये खासियत है कि अगर देखो जेलीफिश जो है ना तुम्हें शोक देते हैं ना, बिजली का झटका, तो तुम्हें ज़्यादा असर नहीं होगा। तो ये है रियोट के आर्मर के फायदे, तुम्हें असर तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। जैसे तुम अगर हाइड के कपड़े पहन के जाते हो ना, तुम्हारी हालत पंचर कर देगा, और वही तुम रियोट के आर्मर पहन के जाते हो तो उतना कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा वो तुम्हें जेलीफिश, उतना असर भी नहीं होगा तुम पे। तो अभी तुम्हें दिखाएंगे हम जेलीफिश, हमें मिला तो तुम्हें दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा परसूट कंप्लीट हो चुका है, और कितना भाई 2500 मिले हैं या 25,000 एक्सपी मिले हैं। ओके, तो भाई 25,000 एक्सपी मिले हैं भाई। हमने जो वो फ्लैग का करा था उसमें हमें 10,000 मिले थे, कितने मिले थे भाई, 1,000 मिले थे, 10,000 मिले थे। ये 25,000 भाई रियोट का आर्मर हमने पहना, और 25,000 एक्सपी भाई साहब, कितना ही तगड़ा था। ये आगे जो है जेलीफिश है हमारे, तो चलो पिटते हैं जेलीफिश से और देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है हमें। वैसे जो हमने आर्मर पहन रखे प्रीमेटिव है, तो प्रीमेटिव पे कितना असर करती है जेलीफिश 5 लेवल की। अभी उतना देखो, उतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा है इस पर, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, उतना ज़्यादा इस पर असर नहीं हो रहा है। ये तीनों जो है अपने लगी पड़ी है जेलीफिश, लेकिन समझ लो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है रियोट के आर्मर का। तो तुम्हें अगर पानी में सर्वाइव करना है तो एक स्कूबा टैंक पहन लेना, और रियोट के आर्मर पहन लेना, जिससे तुम्हें ज़्यादा जेलीफिश जो है तंग नहीं कर पाएगी। तो आज की वीडियो में यार इतना ही था, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जो है 1600 सब्सक्राइबर होने वाले, तो जल्दी से करवा दे यार, देखता हूँ कितना टाइम तुम लगाते हो। तो तुमसे मिलता हूँ यार किसी और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।